जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, माता रानी बाबा की कृपा आप सबके ऊपर होगी। आज का जो टॉपिक है भाई वो भी बिल्कुल मैं भाई सामने वाले का नंबर नहीं दूंगा और आप सारी चीजें क्लियरली पढ़ लीजिए, होल्ड करके पढ़िए, उसने क्या कर दिया था क्या नहीं, यूट्यूब से देख के सारी क्रिया की थी और बाद में पछताना मरता मरता बच्चा है। ऐसा कोई कर्म मत करो भाई जो उसका आपको पता ना हो। क्या नहीं, आज हम इसी पे खुल के एक बात करेंगे, एक टॉपिक लेके आए उसके ऊपर। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी हमने 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है, जिससे हम आने वाली समय में एक एनजीओ ओपन कर सके, जिससे हमें हम गरीब बहनों की शादी करा सके और भाई गरीब भाइयों की अपनी हेल्प कर सके, जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। इसमें आप और हम करना कुछ नहीं, आप लोगों को डोनेट कुछ नहीं करना, खाली करना है सब्सक्राइब करना और चैनल के बेल आइकन को दबाना, जिससे हम जब भी लाइव आए आप हमसे लाइव में जुड़े और अपने घर की प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की समस्या का हमसे समाधान ले सके। समस्या कैसी, गद्दी बंधन हो, भूत प्रेत की समस्या हो, किसी को गुरु धारण करना हो, गुरु कैसा होना चाहिए कैसा नहीं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर देखने को मिलेगी। आपको किसी भगत के पास घूमने की जरूरत नहीं है, मैं वही काम आपको बताता हूँ जो आपके फायदे का हो। ये नहीं है कि आपको बता दिया निकलने का रास्ता नहीं बताया, क्योंकि YouTube पे ज्यादातर चैनल मैंने देखे हैं वो क्या करते हैं कि आपको बढ़ने का रास्ता तो बता देते हैं, मतलब अंदर जाने का रास्ता आपको बता देते हैं, कल को अंदर जाने के बाद कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पीछे कैसे हटोगे वो रास्ता कोई नहीं बताता। तो आपको सारी समाधान सारी वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी, तो लेट ना करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई पूजा के दीपक, किस किस के पूजा के दीपक में फूल बनता है भाई, आज हम यही बात करेंगे। जो दीपक का फूल बनता है वो अलग अलग तरीके से बनता है, अलग अलग आकृतियों से बनता है। जो आपकी पूजा का दीपक होता है उसकी भी लौ अलग तरीके से चलती है उस समय, तो कभी वो ओम की तरह आपको दिखेगा जो फूल होगा, कभी ज्योत का जो दीपक होगा उसमें फूल तो बना होगा पर आगे जो लौ निकली होगी उसमें त्रिशूल बना होगा, कभी लो अप जाएगी कभी डाउन जाएगी, कभी बिना हवा बिना बिल्कुल एक कमरे में हवा तक नहीं चल रही होगी, दीपक आपका हलना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या संकेत है और उस फूल का हमें करना क्या चाहिए? आप मान के चलो अपने घर में अपने पितृदेव का दीपक लगा रहे हो, अपने पितृदेव का दीपक लगाया, उसकी लौ बिल्कुल लंबी जा रही है और वो अपने आप बिना हवा के हिल रही है, उसमें एक फूल बना है, तो भाई आपके पितृदेव आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। आपको करना क्या चाहिए उस समय, क्या नहीं, जैसे आप अपनी कुल देवी का दीपक लगा रहे हो, अच्छा दोनों दीपकों में फर्क होता है, जो हमारे कुल देवता होते हैं या हमारे जो भी देवता होते हैं उनका जो दीपक चलता है वो खड़ा चलता है, मतलब खड़ी जोत चल सकती है उनकी, पर जो भी हमारी कुल की देवी है या कोई सी भी देवी का दीपक लगा रहे हो तो वो बाती की तरह चलेगा नीचे, जैसे आपने देखा ना बाती दीवे दीपावली के हम दीपक लगाते हैं कोटन को थोड़ा आगे निकाल देते हैं, तो उस तरीके से दीपक लगाना चाहिए हरदम। कभी भी माता का जो दीपक होता है वो खड़े उस ज्योत में नहीं चलेगा, ना ही आपको चलाना चाहिए उनका दीपक, जो लंबा चलाना चाहिए और लंबी बाती उनको निकालनी चाहिए। तो मैं वही बता रहा हूँ, बात वो बताऊंगा जो आपके काम की, वो नहीं बताऊंगा जो आपको कहीं से भी आपने देखा और आपने चला और भाई सारे काम हो रहे हैं। तो पूजा का दीपक जो है उसमें फूल बनना आपका स्टार्ट हो जाएगा, पहला जो फूल बनेगा छोटा सा फूल बनेगा, कभी आपको हफ्ते में एक बार देखने को मिलेगा, कभी हफ्ते में दो बार आपको देखने को मिलेगा, जोत लो आपकी कभी ऊंची जाएगी कभी नीची रह जाएगी, कभी हिलना स्टार्ट कर देगी, फिर आपको आभास होना स्टार्ट हो जाएगा सपने में माता रानी की, आप जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हो उसके दर्शन होने आपको स्टार्ट हो जाएंगे, आभास होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर लोग आप क्या कहते हैं, मुझे तो माता के दर्शन हुए, वैसे ही आपकी डेली जो लाइफ चल रही है उसी तरीके से आप पूजा पाठ करते रहते हो, कोई उसमें चेंज नहीं करते कुछ नहीं। भाई ये संकेत बताते हैं कि आपकी कुल देवी या आप जिस भी देवी देवता का दीपक चला रहे हो वो जागृत होने की उस पे आ चुके हैं, आप उन्हें जागृत कर सकते हो, वो आपको संकेत देते हैं, एक गुप्त संकेत होता है ये, किसी को बताने वाला संकेत नहीं होता। अगर आप बताना स्टार्ट कर देते हो कि मेरे पूजा के दीपक में फूल बन रहा है या मेरे पूजा के दीपक में ऐसी वो चल रही है, तो ये आभास होने आपको बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, ये चीज बताने की नहीं होती। हाँ, जिस गुरु को आपने धारण कर रखा, जिस गुरु के पास जा रहे हो आप वहां ये चीज बता सकते हो, अगर आपने गुरु धारण नहीं कर रखा तो आप घर में बताइए भाई, अपने फैमिली को दिखा सकते हो, पर बाहर आप जा रहे हो, अपने दोस्त के पास जा रहे हो, वो भगवानों की पूजा पाठ की बात कर रहा है और आप कह रहे हो मेरे में तो दीपक बन रहा है, मेरे में तो ये हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है, ये चीज बिल्कुल नहीं बतानी आपको। आपको करना क्या है, कोई भी अपनी देवी देवता का, जैसे आप भोले बाबा की पूजा कर रहे हो तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको कंटिन्यू स्टार्ट करना है, जिससे भाई आपको और ताकत मिले और आपके घर में अगर कोई नेगेटिव पावर है तो उसको निकलने का टाइम आ चुका है, भगवान आपको संकेत दे रहा है, अब आपका अच्छा समय आने वाला है, आपको जितनी प्रॉब्लम लाइफ में आपने देखी है, जितना आपने फेस किया वो जो सारी जाने वाली है, एक अच्छे समय के साथ हम आपके सहारे पूजा का दीपक बनने लगा है। जो उस समय आपको करना क्या, सुबह आप दूध का भोग जरूर लगाइए भाई जी, अगर आपके सुबह सुबह जल्दी खाना नहीं बनता तो एक साफ सुथरा दूध का गिलास लीजिए, उसमें चीनी वगैरह डाल के आप गुड़ के साथ शक्कर के साथ आप उस दूध के गिलास को भोग में लगाइए,
जिससे आपके इस देव जो आपके घर में आए हैं उनको भोग मिलता रहे, उस शाम को भी भाई जो आप खाना वगैरह खा रहे हो उससे दो रोटियां आप निकालिए, पहले अपने पूजा वाले कमरे में रखिए, फिर उनको गाय को दे सकते हैं, खुद भी स्वयं आप ग्रहण कर सकते हो प्रसाद के तौर पे। यानी कि ये क्या कहना, उसको प्रसाद के तौर पे ग्रहण करना है, उस खाने का कभी अनादर नहीं करना, वरना इस देव आपके रुष्ट हो सकते हैं जिस भी देवी देवता का आप दीपक बना के चल रहे हो, लगा के चल रहे हो। और आपको एक मंत्र ऐसा लेना जिसका जाप आपको कंटिन्यू स्टार्ट करना है। आप भोले बाबा का मैंने बताया ओम नमः शिवाय, अगर आप विष्णु जी की पूजा करते हो ओम श्री भगवते वासुदेवाय, अपने पितरों की पूजा कर रहे हो तो आप पितरों का नाम का भी दीपक लगा सकते हो। अब वीडियो के बीच में मैं आपको एक क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं, जिन्होंने मेरी वीडियो यहां तक देखी है ज्यादा सुनी है, तो आज एक क्वेश्चन का ठीक है, क्वेश्चन है आपका, माँ भद्रकाली किसकी अर्धांगिनी थी, मतलब किसकी पत्नी थी। अब ये मत कहना शिवजी भगवान की, क्योंकि ये आंसर आपका गलत होगा। मैंने पूछा माँ भद्रकाली किसकी पत्नी थी, सर्च करो कैसे भी करो, कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से रिप्लाई देना इसका, क्योंकि भाई जी साइलेंट मोड में मोबाइल अच्छे लगते हैं, माता बाबा के भगत नहीं। जो मेरी वीडियो पे आ रहे हो भगत जरूर होंगे, भक्ति लाइन से जुड़े होंगे, तो कमेंट करके जरूर जाया करो। तो भाई अब आपको करना क्या, जो दीपक का फूल बना उसका, उस फूल का आपको क्या करना जिससे आपको आपके इस देव की जो आशीर्वाद है वो आपको प्राप्त हो सके। तो जो आपका फूल बना है उसको आप जो चिमटी होती है ज्योत की उससे आप निकाल भी सकते हो, वो अपने आप निकल के नीचे गिर जाए, तो उसको क्या करना है, उसको आपको उठाना है, वो तेल जो आपने जिस दीपक में आप तेल की दीपक लगा रहे हो, घी का दीपक लगा रहे हो, तो उसको उस घी में या तेल में मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के साथ साथ उस फूल के दीपक को आपको पूरा हाथ पे रगड़ना है और अपने माथे पर टीका लगा लेना है। माथे पर टीका लगाओगे तो इससे आपका क्या फायदा होगा, कोई भी क्रिया करा कराया आपके पास नहीं आएगा, किसी ने आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करने की सोचेगा तो वो आपके पास भी नहीं आ सकती जब आप दीपक लगा के चलते हो। नेत्र जो होता है दिव्य में देख सकते हो, वो आपकी जहां आपको खुलने में 6 महीने लगते हैं वो आपकी 15 से 20 दिन में खुल जाती है जब आप इसका माथे पे दीपक लगा के चलने लग जाते हो। मैंने बताया, मैं वही चीज बताऊंगा आपके फायदे, क्योंकि ये चीज आपको YouTube पे कहीं देखने को नहीं मिलेगी, नहीं कोई बताता है, क्योंकि ज्ञान देने वाले आपको ऐसे मिल रहे हैं YouTube पे। मेरे अभी जो कमेंट बॉक्स आता है मेरे पास, मैसेज आते हैं WhatsApp पे, भाई मैं चला तो गया, काम तो कराया पर मुझे निकलना नहीं आया, YouTube से देख के मैंने कर दिया। भाई YouTube पे आपको जाल में फंसा देंगे, जाल से काट के कैसे बाहर निकलना वो चीज आपको नहीं सिखाएंगे। तो यही इसलिए मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करा करो भाई जी, जिससे आपको एक एक चीज मैं आपको बारीकी से समझा सकूँ। तो उसका आपको दीपक का जो फूल है उसका आपको माथे पे क्लिक करना है जिससे आपकी इस देव की कृपा आपको मिल सके। ना आपके ऊपर कोई क्रिया कराई होगी, ना आप किसी के बंधन में आ सकते, ना आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया कर सकते। आप अपनी लाइफ में आपके इस देव आपके सदैव साथ रहेंगे, धीरे धीरे आप देखोगे कि आपको आपके इस देव का आभास होने लग जाएगा, आपके साथ खड़े हुए आपको दिखने लग जाएंगे। जब नेत्र दृष्टि खुलती है जब भी आपको ये आभास होना स्टार्ट होता है, बिना नेत्र दृष्टि के आपको ये आभास होगा नहीं। और ये नेत्र दृष्टि खोलने का सबसे आसान तरीका बता दिया मैंने, पूजा के दीपक का आपको तिलक करना है जिससे आपको आभास होना भी स्टार्ट होगा, उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा, और फूल आप डेली अपने पूजा वाले मंदिर में चढ़ाना स्टार्ट कर दो। अगर आपके फूल का दीपक बन रहा है तो जहां आपका फूल आपका 15 दिन में 20 दिन में एक बार दिख रहा था वो आपको डेली दिखना स्टार्ट हो जाएगा और आपको आपके इस देव की आपकी कृपा आप पे आनी स्टार्ट हो जाएगी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आज आपको पसंद आई होगी। मैं आपका अपना विकास दहिया दिल्ली दरबार से, कमेंट बॉक्स में अपने कुल देवी कुल देवता का जयकारा लगा के जरूर जाना। और पितरों तो भाई हमारे घर का ताज है, सर का ताज है, उनको कैसे बोल सकते, घर की पहली शक्ति हमारे पितरदेव महाराज है। तो भाई सभी भक्तों को भाई गुप्त नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ जिन जिन्होंने गुप्त नवरात्र रखे हैं वो भाई बिल्कुल अपना उनका जो उन्होंने मकसद रखा है अपने जिस कार्य के लिए उन्होंने गुप्त नवरात्र रखे है वो उनका सफल हो। माता रानी आपकी कृपा बनाए रखे। गुप्त नवरात्रों की आपने वीडियो ना देखे तो देख लेना, गुप्त नवरात्र बिल्कुल बिना बताए किए जाते हैं, उनके कैसे किए जाते हैं उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो मैं वीडियो को एंड में लगा दूंगा, आप उसको देखना जरूर एंड तक, आपको समझ आ जाएगा गुप्त नवरात्रों की विधि क्या है क्या नहीं। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय माता दी, जय सियाराम, बोलो सच्चे दरबार की जय।